हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हम फिफ्थ क्लास का मैथ्स पढ़ रहे थे जिसमें मैं आपको डिवीज़न चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है एस्टिमेशन वाली, उसमें और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एस्टिमेट द सम एंड डिफरेंसेस बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू इट्स हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। तो यानी कि आपको डायरेक्ट सम नहीं करना, आपको पहले राउंड ऑफ करना है इसको। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, तो आप इसको राउंड ऑफ करिए पहले 1, 2, 3, 4, 6, क्या राउंड ऑफ होगा? देखिए किसके बीच में है ये आपका एक तो 12,000 के बीच में है और एक है आपका 13,000 के बीच में है, ठीक है। तो लेकिन क्लोज किसके हैं? तो आप बोलेंगे सर ये 12,000 के ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, 12,000 के ज़्यादा क्लोज है, तो आप क्या कर लेंगे इसको 12,000 बना लेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका एस्टिमेशन बन गया 12,000, ठीक। या पहले इसको कर लीजिए, ये और रह गया है 43872, ये किसके ज़्यादा क्लोज है? तो आप बोलेंगे सर ये 43,000 के और 44,000 के बीच में। तो क्लोज किसके हैं? तो क्लोज है ये 44,000 के, ठीक है। सॉरी, देखिए इसमें मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। इसमें बोला गया है टू इट्स हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू आपकी जितनी है वहाँ तक करना है। तो ये 12,000 है ना, तो 1,000 के डिजिट तक आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो आप ये बोलेंगे सर ये 12,000 और 10,000 के और आपका ज़्यादा क्लोज है, तो इसका 10,000 और आप करेंगे इसकी कंपैरिजन सीधे 20,000 से, ठीक है, और इसकी कंपैरिजन करेंगे आप 40,000 से और सीधे किससे 50,000 से, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये किसके क्लोज है? ये 10,000 के ज़्यादा क्लोज है और ये किसके क्लोज है? ये 40,000 के ज़्यादा क्लोज है। तो बस आपको इसकी जगह लिख देना है, इसकी जगह लिखना है आपको 10,000 और इसकी जगह आपको लिखना है 40,000, प्लस कर देंगे तो 0,0005, तो 50,000 आपका आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका जो है सब्ट्रैक्शन वाला, एफ देख लेते हैं। इसमें लिखा है 7,3,2,5,4,3 और लिखा है 4,1,1,1,9,8 माइनस, ठीक है। देखिए इसको राउंड ऑफ करते हैं 2,3,5,4,3 को, तो यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये एक्चुअली कितना है आप देखिए, ये 7,32,000 है, ठीक है। तो ये किसके आएगा क्लोज? एक तो ये आएगा 7 लाख के, ठीक है, और एक किसको क्लोज आएगा? ये 8 लाख के, ठीक है। तो किसके ज़्यादा क्लोज है? 7 लाख के ज़्यादा क्लोज है, और ये लेंगे 1,4,1,4,1,1,1,9,8। आप ये देखिए ये किसके ज़्यादा क्लोज है? ये एक तो 4 लाख के ज़्यादा क्लोज है और किसके ज़्यादा बीच में है? ये 5 लाख के बीच में, ठीक है, 3, 4। तो ये किसके क्लोज है? 4 के क्लोज। तो इसका राउंड ऑफ हो गया 7 लाख और उसका राउंड ऑफ हो गया 4 लाख। अब इनको आप ऐड कर देंगे तो 7 और 4 आपका कितना आ जाएगा? 7 और 4 कितना आएगा आपका? 11 लाख आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए ऐड करेंगे तो 11 लाख आएगा, लेकिन आपसे सब्ट्रैक्ट करने की बोल रहा है, तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 7 लाख, ठीक है, 4 लाख माइनस, तो ये आएगा आपका 3 लाख, ठीक है। अगर एडिशन करने की बोलता तो आपका क्या जाता? 11 लाख, ठीक है। तो इस टाइप से करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है आपसे एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, और राउंड ऑफ करके करना है आपको। एस्टिमेट लिखा ही हुआ है पहले से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 3,3,8,7,5×65। देखिए इसको राउंड ऑफ करिए तो ये किसके बीच में आएगा? आप बोलेंगे सर ये 30,000 के और 40,000 के बीच में है, और इसको करेंगे आप इसका राउंड ऑफ तो आप बोलेंगे सर ये 60 और 70 के बीच में है, ठीक है। तो कौन सा अच्छा राउंड ऑफ होगा? ये इसके ज़्यादा क्लोज है और ये इसके ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। अगर देखिए मिडिल में है तो आप बड़ा वाला ही लेंगे, ठीक है, उसके आगे वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग?
अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30,000 × 70। तो देखिए 7 × 3 = 21 होता है, और 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये आपका आंसर होगा। बस जीरो वाला मल्टीप्लाई सबसे सिंपल होता है, आपको पता ही है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, जैसे कि ई वाला दिया है 77511 × 532। तो आप ये देखिए ये किसके बीच में है, ये एक तो 7000 के बीच में है और एक 8000 के बीच में है। ये आपका है 500 और 600 के बीच में, ठीक है। तो आप ये बता दीजिए मुझे कि कौन सा बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए तो ये बेस्ट रहेगा क्योंकि इसके ज़्यादा क्लोज़ है, इसके लिए ये बेस्ट रहेगा इसके ज़्यादा क्लोज़ है। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 80,000 × 500। तो 8 × 5 = 40 और 2 × 0 = 4, 0 × 0 = 2, 0, तो 6 और आ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई। तो क्या गलती कर दी हमने, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है, 7 0 है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। एस्टिमेट द कोशेंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। देखिए थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एस्टिमेट द कोशेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो एस्टिमेट कोशेंट करना है आपको, तो सबसे पहले आपको इन दोनों को एस्टिमेट करना पड़ेगा, यानी कि डिविडेंड को और डिवाइजर को। तो देखिए इसको एस्टिमेट करेंगे तो ये किसके बीच में आएगा आपका, 2000 और 3000 के, और इसको एस्टिमेट करेंगे तो आप ही आएगा 20 से 30 के बीच में, ठीक है। तो ये इसके ज़्यादा क्लोज है तो इसका एस्टिमेशन ये होगा, ये इसके ज़्यादा क्लोज है तो इसका एस्टिमेशन ये होगा। तो एक्चुअली आपको जो डिवाइड देना है वो 3000 में 30 का डिवाइड देना है। तो 0 से 0 पहले कैंसिल कर लीजिए, आप 3 का डिवाइड कर दीजिए किस में, 300 में। तो कितनी टाइम्स जाएगा, 100 टाइम्स चला जाएगा। चलो तो ये आएगा आपका एस्टिमेटेड क्वेश्चन, ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ई वाला है 678321 का डिवाइड आपको करना है 798। तो इसका एस्टिमेशन क्या होगा, देखिए 600000 के बीच में होगा, एक तो 5 नंबर हैं, और एक होगा इसका आपका 71023, और इसका होगा आपका 700 और 800 के, ठीक है। तो ये किसके ज़्यादा क्लोज है, ये इसके ज़्यादा क्लोज है, तो ये ले लेंगे। ये किसके क्लोज है, ये भी इसके क्लोज है, और इन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो 700000050 हैं बाई 800, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो यानी आपको डिवाइड देना है 7000 में 8 का, तो 8 4 = 64, ठीक है। तो आगे आपका 6 0 उतारेंगे, 1 0, ठीक है, और 2 0 डायरेक्ट आप लगा लीजिए, तो 6 आपका एक्चुअली रिमाइंडर आ जाएगा। आप इस रिमाइंडर को इग्नोर कर सकते हैं, तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा ये, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो रिमाइंडर आ रहा है आप उसको इग्नोर कर दीजिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक, देखिए सर सॉरी मिस्टेक हो गई, इसको आपको पूरा ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये गलत हो गया आपका डिवाइड। इसको दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 8 का आपको डिवाइड करना है 7000, तो 8 8 = 4 8 8 = 64, ठीक है। ये बचेगा 6 0 उतार लेंगे, फिर 8 5 = 56 बचेगा 4, फिर से 0 उतार लेंगे तो सॉरी 8 7 = 64 56 होता है, और 8 5 = 40। अब ये आपका आ गया, ठीक है, अब ये पूरा पूरा चला गया। तो ये आएगा आपका एस्टिमेटेड क्वेश्चन, ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपको नहीं करना यहाँ से, ठीक है, मैंने कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 6th वाला। इसमें लिखा है एयर फेयर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इज 3548 रुपीज़, यानी जो आपका चार्ज लगता है टिकट का।
इफ देर आर 249 पैसेंजर्स इन अ प्लेन फाइंड द एस्टिमेटेड फेयर ऑफ ऑल द पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन द प्लेन। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको पता नहीं है, ठीक है, तो पहले आपको एस्टिमेशन करना पड़ेगा इसका रुपीस का और इसका पैसेंजर का। तो देखिए 3548 का एस्टिमेशन क्या होगा, आप बोलेंगे सर ये 3000 और 4000 के बीच में, तो सबसे ज़्यादा क्लोज किसके है 4000 के, तो 4000 इसका एस्टिमेशन होगा। उसके बाद 249 आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये 240 के और 250 के बीच में, तो आप बताइए किसके क्लोज है, तो 250 के क्लोज होगा ये, तो ये एस्टिमेशन हो गया आपका, ठीक है। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपको फेयर मिल जाएगा। तो एस्टिमेटेड फेयर ऑफ ऑल पैसेंजर इज इक्वल टू 4000 इंटू 25। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 25 फोर जो 100 होता है, और 1 2 3 4 4 0 तो 1 2 3 4, तो ये आपके आपका आई थिंक 10 लाख, तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी एक्सरसाइज 4D ख़त्म हो गई और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। अब आप चैप्टर को पूरा करके स्कूल में कॉपी चेक कराने के लिए दे जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। थैंक यू।